हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल माइलोमा के बारे में और होम्योपैथी का क्या रोल है, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक मल्टीपल माइलोमा। तो सबसे पहले समझते हैं मल्टीपल माइलोमा, इसका क्या मतलब है। तो मल्टीपल का मतलब है कि एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा जगह में इसका इफेक्शन होगा। और माइलोमा का क्या मतलब है, तो हम मेडिकल टर्म में जब भी ओमा OMA टर्म हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है ट्यूमर या कोई गांठ, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ। तो माइलोमा का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं और ये एबनॉर्मल अमाउंट में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ट्यूमर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्लाज्मा सेल क्या होता है। तो हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं प्लाज्मा सेल्स। और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं इसका क्या काम होता है, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता है। हमारे बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारी एंटीबॉडीज़ से आती है। और ये वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को फाइट करे। तो जब ये प्लाज्मा सेल्स इफेक्ट होते हैं तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन बनाते हैं और उसके वजह से आपके बॉडी में अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो वो सिम्टम्स क्या है ये हम समझते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा के सिम्टम्स को हम CRAB या क्रैब के फॉर्म में हम बोलते हैं। तो सी का मतलब है कि कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम की एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाती है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हड्डियां हैं, हड्डी कमज़ोर होती जाती है, हड्डियों में लिजन बन जाती है, पंच्ड आउट लिजन बन जाते हैं या लिटिक लिजन बन जाती है। तो हड्डी कमज़ोर हो जाने की वजह से जो कैल्शियम है वो हड्डियों से निकल के आपके बॉडी में आ जाता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। अब R से क्या होता है, R मतलब आपका जो रीनल फंक्शनिंग है या आपकी जो किडनी है, ये किडनी को डैमेज करता है और इसके वजह से हो सकता है किडनी की फंक्शनिंग में कमी आ जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किडनी बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, A का मतलब है एनीमिया, एनीमिया का मतलब कि खून की कमी शरीर में हो जाना। और B का मतलब है बोन डैमेज, तो बोन डिजीज़ या बोन डैमेज, क्योंकि ये अलग अलग बोन के बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है और इस वजह से CRAB या क्रैब से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिम्टम्स के बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, आपको मेंटल फॉगिनेस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको नौजिया या उपकाई आ सकती है। इसके साथ साथ अगर खून की कमी हो रही है तो क्या होगा, बॉडी में थकावट हो जाएगा, फटीग होगा, वीकनेस होगा। अब वाइट ब्लड सेल्स का काम है एंटीबॉडीज़ को बनाना और एंटीबॉडीज़ ठीक से नहीं बन पा रही हैं तो बॉडी में इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ ही नहीं बन रही हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बॉडी में ज़्यादा हो जाना। इसके साथ साथ आपको वेट लॉस होना, वीकनेस होना, शरीर में सुन्नपन का महसूस होना, ऐसा हो सकता है। अगर वर्टिब्रल कॉलम आपका इफेक्ट हो रहा है तो वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियां कोलैप्स हो जाना, कमज़ोर होके ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बेसिकली आपका जो बोन है वो डैमेज हो सकता है। और कहाँ का बोन डैमेज हो सकता है, आपके जो लॉन्ग बोन्स है हाथों के, पैरों के, उसमें इफेक्ट हो सकता है, आपके स्कल में इफेक्ट हो सकता है, स्पाइन में इफेक्ट हो सकता है, पेल्विक बोन्स में इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बोन में जो बोन है कमज़ोर हो जाती हैं और इसके वजह से बोन में फ्रैक्चर हो जाती हैं, किडनी ठीक से काम नहीं करता है क्योंकि एबनॉर्मल प्रोटीन बॉडी में बन रहा है, तो ये हमें सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। अब ये जो मल्टीपल माइलोमा है इसमें होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है, तो होम्योपैथी का अप्रोच होगा, एक तो जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं यानी कि जो बोन पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बोन पेन को रिलीव करना, दूसरा
जो ये बॉडी में मल्टीपल माइलोमा हो रहा है या डैमेज हो रहा है इसको कंट्रोल करना। तो उसके लिए हमें डीपर स्टडी के बाद दवा देनी होती है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी आपको जो दवा चाहिए वो ज़रूरी नहीं है कि आप ही के सिम्टम वाले किसी दूसरे इंसान को भी सेम ही दवा चाहिए हो। तो बेसिकली आपके केस के डिटेल स्टडी के बाद हम आपको एक डीपर एक्टिंग मेडिसिन देते हैं, और दूसरी चीज़ जो बोन पेन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन दे सकते हैं। दवाइयाँ क्या क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अब बात करते हैं जो मल्टीपल माइलोमा है इसके रिस्क फैक्टर क्या है, या किसे मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। मल्टीपल माइलोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? बढ़ती उम्र 50 इयर्स एंड अबव में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, मेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में मल्टीपल माइलोमा है अगेन तो आपको होने के चांसेस ये ज़्यादा हो सकते हैं। ब्लैक पॉपुलेशन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द वाइट पॉपुलेशन। एमगस या मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, तो अगर एमगस है तो आपको मल्टीपल माइलोमा होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। तो एमगस के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगी। दोस्तों और क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है? अगर आप लोगों को कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए तो भी ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये एक रिस्क फैक्टर की तरह काम कर सकता है जिससे मल्टीपल माइलोमा के होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करते हैं या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आपने काम किया है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर की तरह काम कर सकता है मल्टीपल माइलोमा में। तो ये हमारे हो गए रिस्क फैक्टर। सिम्टम्स के बारे में हमने बात कर ली है, तो अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। दोस्तों जैसे मैंने बताया मल्टीपल माइलोमा में हमें ज़रूरत है कि जो बोन पेन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो बोन पेन के लिए जो चार दवाई मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी वो बोन पेन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। पहली दवा है हमारी सिम्फाइटम। तो सिम्फाइटम मेडिसिन किसी प्रकार के भी बोन पेन में बहुत अच्छा काम करती है। कभी इंजरी हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हील नहीं हो रहा है, तो सिम्फाइटम इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन जिसको दिया जा सकता है। दूसरी हमारी दवा है आर्निका। तो आर्निका मेडिसिन में क्या होता है, पूरी बॉडी में इतना दर्द होता है, पेशेंट जब लेटता है तो उसको ऐसा लगता है कि किसी हार्ड सरफेस में लेटा हुआ है, इतना उसको बॉडी में पेन होता है। तीसरी हमारी मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलिएटम। तो दोस्तों जब हमें बोन एकिंग पेन होता है, या जब डेंगू फीवर के बारे में भी मैंने बताया तो मैंने आप लोगों को यूपेटोरियम परफोलिएटम के बारे में बताया है, तो पूरे बॉडी में जब एकिंग पेन, बोन पेन, मसल पेन आपको होता है तो यूपेटोरियम परफोलिएटम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया में क्या होता है कि पेशेंट बिल्कुल हिल नहीं सकता, जैसे ही थोड़ा सा भी हिला उसकी जो पेन है वो बढ़ जाती है, तो किसी तरह के मूवमेंट से पेन बढ़ जाती है तो वो है ब्राइनिया। तो दोस्तों ये चार दवा से तो आपको पेन में रिलीफ हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल माइलोमा को कंट्रोल कैसे करें, अगर ये हो रहा है तो इस बीमारी के प्रोग्रेशन को हम स्लो कैसे कर सकते हैं, या ज़्यादा जल्दी ये बाकी ऑर्गन्स में इफ़ेक्ट नहीं करे उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है एक डीपर केस टेकिंग के बाद दवा को देना। तो कुछ दवाइयों के नाम मैं भी बताती हूँ जो कि देखा गया है कि ऐसे कंडीशन में मदद कर सकती है। तो सबसे पहली हमारी दवा है कार्सिनोसिन। तो दोस्तों कार्सिनोसिन जो दवा है ये मेलिग्नेंसीज में काम करती है। कार्सिनोसिन को बहुत ज़्यादा हम फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं करते हैं, इसकी हम एक डोज प्रेफरेबली रात को देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी इसको रिपीट नहीं किया जाता है। कार्सिनोसिन में देखा जाता है कि जो पेन है रात को ज़्यादा बढ़ जाती है, नाइटली एग्रवेशन होती है, भूख नहीं लगती, वज़न का घटना, इसके साथ साथ र्यूमेटिज्म, गैस्ट्रिक ट्रबल अगर हो तो कार्सिनोसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है थूजा। तो थूजा हमारी एक एंटी साइकोटिक दवा है, यानी आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई ग्रोथ हो रहा है, गांठ बन रही है, ट्यूमर बन रहा है, तो थूजा दवा इसको कंट्रोल कर सकती है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस कब देनी होती है, जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या बीमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस हो गई, बढ़ गई है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूजन हो रही है, हेमरेज हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फॉस्फोरस का रोल होता है।
दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रेडियम ब्रोम। तो ये जो रेडियम ब्रोम मेडिसिन है ये बोन पेन के लिए अच्छी दवा है। नाइट में बोन में पेन हो रहा है और इसमें क्या लगता है कि हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हड्डियाँ बिल्कुल ही ब्रिटल हो गई हैं और एकदम से हड्डियाँ टूट जाएंगी, इतना ज़्यादा वीकनेस का महसूस होता है। हाथ की हड्डियों में, शोल्डर में बहुत ज़्यादा वीकनेस का महसूस होता है, रात को प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ हम नेल्स में भी देखते हैं कि ट्रॉफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसी कंप्लेन होती है तो रेडियम ब्रोम आपको मदद कर सकती है। दोस्तों मल्टीपल माइलोमा एक कैंसरस कंडीशन है, एक मेलिग्नेंसी है, तो इस वजह से इसमें ज़रूरी है एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना, यानी कि जिससे पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो वो हो सकता है कि बाकी थेरेपीज ले रहा हो और उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाए ताकि सिम्टम्स में पेशेंट को बेटर फील हो, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि हमें पेशेंट को रिलीफ देना है, पेशेंट को बेटर फील कराना है, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ थेरेपीज ले रहे हैं, केमोथेरेपी ले रहे हैं या रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं और उसके वजह से बॉडी में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को डील करने के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो एज अ सपोर्टिव रोल भी होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थे इन्फॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल माइलोमा एंड द रोल ऑफ होम्योपैथी। ये वीडियो मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, डिटेल्स आप लोगों को दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।